अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड चैनल सरकोटा। और मैं हूं आपकी दोस्त अमीना तारिक। कैसी हैं आप सब लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सब बहन भाई, मेरे सब दोस्त। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इस पर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो है। आज हमने लिए हैं, ये देखिए मैंने आलू उबाल के बहुत ही बारीक इनको ग्रेट कर लिया है, क्रश कर लिया था ग्रेटर से। और ये है मेरे पास लहसुन ग्रीन वाले, और ये है हाफ प्याज छोटा सा, और साथ है मेरे पास अंडे, क्योंकि आज हम आलू और अंडा के कटलेट्स कह लें, कबाब कह लें, हम वो बनाएंगे। और साथ में है मेरे पास बेसन, बेसन का बस थोड़ा सा पतला घोल बनाएंगे हम। इसको मैं भी सेट करती हूँ। तो सबसे पहले हम स्पाइसेस डाल लेंगे आलू के अंदर। ये है क्रश चिली, इसके अंदर हम यही चिली ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये है नमक, थोड़ी सी हल्दी, और जीरा पाउडर, और जी सूखा धनिया पाउडर। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर भी डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और ये है इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च। इसके अंदर डाल दिया मैंने ज़ीरा, और ये थोड़ी सी क्रश चिली टेस्ट के लिए, और ये है मेरे पास चिकन पाउडर, थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर। बहुत ही स्मूथ सा ये बैटर हमारा बना है, बहुत ही मज़े के सॉफ्ट से आलू बन गए हैं। ग्रीन वाला लहसुन जो है वो इन कबाबों में तो बहुत ही मज़े का टेस्ट लेके आता है। चलें ये हो गया है रेडी। इसके देखिए हम मसाले अच्छी तरह मिक्स करने हैं ताकि कोई जगह खाली ना रहे इसकी। ये तो हम चाय के साथ भी, विदाउट रमज़ान चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है शाम की चाय के साथ। ये हो गया है रेडी, और अब मैं इनको करूँगी साइड पर। ये देखें अंडे के जो हैं स्लाइस मैंने बनाने हैं, एक अंडे के तीन तीन चार चार स्लाइस। अभी अंडा बहुत ही गर्म है, चलें अभी दूसरों को भी कर लेती हूँ। इस वक्त अंडा बहुत गर्म है। तो अब हो गया हमारा ये वाला बेसन, इसके अंदर मैं थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालूँगी, बहुत कम। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर मैदा भी शामिल करूंगी इसकी क्रिस्पीनेस के लिए। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, और ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ चम्मच ही डाला है इसके अंदर मैदा। ये जितने भी लोग बाज़ारों में ये सेव मिलते हैं, जिन्हें हम सिवैयाँ कहते हैं, जो फ्राई दाल मिलती है उसके साथ जो सेवैयाँ बनाई होती हैं, उन्होंने ज़्यादातर मैदा डाला होता है, और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और हमें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं वो। चलें जी अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये ले लिए हैं आलू, और इसके अंदर हम रख देंगे अंडा इस तरह से। थोड़ा सा मैं बेटर रोल रखती हूँ, ये थोड़े फूले फूले से कबाब बनते हैं, मोटे मोटे से। देखिए बिल्कुल हमारी आलू अंडा टिक्की रेडी हो गई है। इसको अब हम फ्राई करेंगे, तेल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। देखें बहुत ही प्यारा स्मूथ सा हमारा एक आलू अंडे का कबाब बना, और इसी तरह मैं दूसरे सारे बनाऊँगी। तो
थोड़ा सा पानी भी लगाना चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये हेल्दी से हमारे कबाब बन जाते हैं। चलें सारे बना लूँ फिर दिखाती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, मैंने एक छोटा सा ड्रॉप डाल के देखा है बेसन का। ये देखें काफ़ी बड़ा बड़ा कबाब बनता है। इसी तरह मैं दूसरे भी डालती जाऊंगी। यहाँ माशाल्लाह से कबाब बहुत ही मज़े के बहुत ही प्यारे प्यारे रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा और क्रिस्पी करूंगी इसको क्योंकि मैं इनको निकाल चुकी हूँ। जैसे जैसे मेरे अंडा कबाब फ्राई हुए हैं ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं। ले जी हमारे दूसरे कबाब भी रेडी हो गए हैं और आप इस कबाब का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बंदा एक कबाब खा के फुल हो जाता है। चाहे इसको आप रोटी के साथ खाएं या कि चाय के साथ खाएं। अच्छा जी ये है हमारी आलू और अंडा के कबाब के फाइनल लुक, बहुत ही मज़े के बनते हैं और अब अफ्तारी करेंगे खाएंगे। आप भी इनको नेक्स्ट अफ्तारी में बनाइएगा और खाइएगा और बताइएगा आपके कैसे बने। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें। दो में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।